बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए नए टेस्ट कप्तान की खोज शुरू कर दी है। खबर मिली है कि इसके लिए बोर्ड ने टीम के मौजूद टेस्ट उप कप्तान रोहित शर्मा और सलामी बल्लेबाज केएल राहुल से बातचीत की है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बोर्ड दोनों ही खिलाड़ियों पर विचार कर रहा है। हालांकि अनुभव के आधार पर रोहित शर्मा को इस जिम्मेदारी के लिए एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। बता दें कि विराट कोहली ने शनिवार 15 जनवरी को भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद नया टेस्ट कप्तान चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि बीसीसीआई के सेलेक्टर्स और सेक्रेटरी जय शाह ने इसके लिए रोहित और राहुल को अप्रोच किया है। बोर्ड का कहना है कि वो इस फैसले पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो पहले इन दोनों खिलाड़ियों से बात करेंगे और फिर कोई डिसीजन लेंगे। इसके अलावा इंडिया टुडे को ये भी जानकारी मिली है कि टेस्ट कप्तानी के लिए रोहित को राहुल से बेहतर विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि राहुल के मुकाबले उन्हें कप्तानी करने का अनुभव है। साथ ही वो आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे कामयाब कप्तान भी हैं। इसके अलावा एक खिलाड़ी के रूप में भी उन्हें राहुल से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव है। इस बारे में इंडिया टुडे को बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया। खबर मिली है कि बीसीसीआई सेक्रेटरी और सेलेक्टर्स ने विराट कोहली को रिप्लेस करने के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल से बात की है। हालांकि बोर्ड इस फैसले पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। राहुल ने अभी अभी टेस्ट में कप्तानी करना शुरू किया है, जबकि रोहित को कप्तानी का काफी ज्यादा अनुभव है, इसलिए फिलहाल रोहित को एक अच्छा दावेदार माना जा रहा है, लेकिन बोर्ड दोनों पर विचार कर रहा है। बता दें कि विराट ने 7 साल तक भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी की है। उन्हें साल 2014 में एमएस धोनी की जगह टीम का कप्तान बनाया गया था। टेस्ट कप्तानी छोड़ने से पहले विराट ने साल 2021 में T20 विश्व कप के ठीक बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद बीसीसीआई ने विराट से वनडे टीम की कप्तानी भी ले ली थी। विराट अब किसी भी फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान नहीं है। हालांकि एक बल्लेबाज के रूप में वो अब भी भारत के लिए खेलते दिखाई देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है प्रवीण ने। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। शुक्रिया। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का हटने के बाद अब बारी है ऐप की। ललन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।